सोचो आपकी फैमिली में एक नए बच्चे का जन्म हुआ है और फिर ऊपर वाले की तरफ से एक भविष्यवाणी होती है कि 12 दिन के अंदर उस बच्चे को मार दिया जाएगा। तो आप उस बच्चे की जान बचाने के लिए क्या करोगे? उनसे लड़ोगे जो उस बच्चे को मारने आ रहे हैं, या उसको लेके भाग जाओगे? चलो ज्यादा मत सोचो, मैं बताता हूँ। गुरु नेटफ्लिक्स पर एक सीरीज आई है जिसका नाम है हेलबॉर्न। असल में सीरीज का सीजन 2 आया है। इस सीरीज का सीजन 1 मैं बहुत पहले देख चुका था मगर उस पर कभी रिव्यू कर नहीं पाया। तो इस सीरीज का सीजन 2 आ चुका है तो अब सोचा सीजन 1 और सीजन 2 का एक साथ रिव्यू कर देता हूँ। तो गुरु लोग, हेलबॉर्न सीरीज को देखने के बाद मैं बस एक ही बात कहना चाहता हूँ, यार ऊपर वाला हमसे चाहता क्या है? क्योंकि हम लोगों ने ये तो सुना था कि हमारे पापों की सजा हमारे मरने के बाद मिलेगी, मगर ऊपर वाला भविष्यवाणी करता है और गुरु जीते जी आपको सजा देके जाता है और साथ में अपने साथ लेके भी जाता है। तो इस सीरीज की स्टोरी कुछ ये है कि अचानक से एक चेहरा प्रकट हो जाता है कहीं पर भी और वो भविष्यवाणी करता है सामने वाले इंसान की कि वो कब मरने वाला है और वो नर्क में कैसे जाएगा। और यकीन मानो गुरु, जिसकी भविष्यवाणी होती है उसको नर्क में ले जाने वाले जो यमदूत आते हैं ना भाई, वो इतने ज्यादा ब्रूटल होते हैं भाई, उनको फर्क नहीं पड़ता सामने कौन है, बच्चा बूढ़ा बड़ा, वो सबको मारते हैं भाई। लिटरली लात घूसों से पिटाई कर रहे हैं उसकी, उसके बाद काम फिनिश। अब ये किसी को नहीं पता लगता है कि ये हो कैसे रहा है, मगर वो होता नहीं है कि कुछ लोगों को हमेशा पता रहता है कि क्या होने वाला है। ऐसा ही इस सीरीज में दिखाया है, एक बंदे को पहले से ये पता है कि क्या होने वाला है, ये सब क्यों हो रहा है, और उसने सबको नाम दिया है भगवान का कि तुमने बहुत ज्यादा पाप करे, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी और तुम्हें सजा देने आएगा यमदूत, मतलब हमारी लैंग्वेज में यमदूत समझो। और इसी का गलत फायदा उठाते हुए कुछ लोग अपने एक अलग ही संगठन बना लेते हैं जो भाई निर्दोषों को पकड़ पकड़ के, जिनकी भविष्यवाणी हो चुकी होती है, उनके पूरे परिवार तक को सजा देते हैं जिंदगी भर के लिए। मतलब लिटरली ये चल रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर के तेल लगाने, जिसकी भविष्यवाणी हुई है वो गुनहगार है, सजा दो उसको। और ये सारा खेल बदलता है जब एक बच्चे की भविष्यवाणी होती है जिसने 2 दिन पहले ही जन्म लिया है। तो बस मैं तुम्हें इतना ही बता सकता हूँ जो तुम्हारे लिए सही है। अब जल्दी जाओ इस सीरीज को जाके देख लो, क्योंकि इस सीरीज को समझना ना कोई आसान काम नहीं है। तो भाई ध्यान से देखना इस सीरीज को। इस सीरीज के दोनों सीजन बहुत ज्यादा अच्छे हैं, पहला थोड़ा ज्यादा अच्छा है, सेकंड वाला तो आपको बोर लग सकता है, मगर आगे जाके भाई वो नेक्स्ट लेवल हो जाता है। तो जल्दी जाके इस सीरीज को देख लो और फिर मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके टाटा, बाय बाय।